डैडी रितन नहीं आए? रूपा देवी, अपनी अस्वस्थ अवस्था से असमर्थ होने के कारण आपके स्वागतार्थ मुझे भेजा है। नॉनसेंस, ये क्या कह रहा है? रतन की तबीयत खराब है। लीजिए, जैसी शक्ल वैसी बातें। मैं तो विस्मित हो गया, आपके सुंदर कंठ को सुशोभित करने के लिए उन्होंने ये उपहार भेंट किया है। ब्यूटीफुल है। क्या लाना है? बक्सी। कहाँ से मिलेगी? बुद्धू कहीं का। बेटी, तुम तो जानती हो आज रतन का जन्मदिन है। वंडरफुल। डैडी, आप मेरी गाड़ी लाए हैं ना? मैं अपनी गाड़ी में रतन के यहाँ जाती हूँ। ओके ओके। जी, रतन बाबू ने भी अपनी गाड़ी भेजी है। मैं दोनों गाड़ियों में तो जा नहीं सकती, आप उस गाड़ी में मेरा सामान लेकर आइए और जल्दी, मुझे ढीले ढाले आदमियों से सख्त नफरत है। क्या हुआ रूपा देवी? इंजन में कुछ गड़बड़ हो गई है, तुम इसे ठीक कर चला। बहुत अच्छा। ये लो बख्शीश। बात में बख्शीश, मुझे ढीले ढाले आदमी से सख्त नफरत है। अभी बताता हूँ आपको नफरत। आप जाती कहाँ है? मैम साहब, ज्यादा चोट तो नहीं आई? बदमाश चाकू लगूंगा चोर के। अरे अरे, इतनी गालियां। खैर, मैं लड़की की बात से बुरा नहीं मानता, गुस्सा बाद में कीजिएगा, लाइए पहले धूल झाड़ दूं। इसकी कोई जरूरत नहीं, कहाँ चुरा कर भाग रही थी मेरी गाड़ी। अच्छा, तो गाड़ी आपकी है? मैं समझा उस बुद्धू की। बात ही हुई मैम साहब कि मुझे गाँव जाना था, मैंने आपके ड्राइवर उर्फ बुद्धू मियाँ से कहा, बुद्धू मियाँ भैया मुझे गाँव ले चलो, लेकिन वो हजरत लगे आकर नहीं आ रहे। बस फिर मेरा भूसा जमाना, उसका उलट के वो गिरना और मेरा रवाना होना, मतलब ये कि वो पहिया पहिया आ रहे हैं और हम एक सुंदरी के साथ शहर जा रहे हैं। सुंदरी को नहीं जाना, आप जाइए। कैसे जाऊं मेम साहब, गाड़ी एक मुसाफिर हो। आप तशरीफ रखिए, मैं ड्राइवर की खिदमत पर जा रहा था। ड्राइवर की जगह नहीं, देख लीजिए शायद किसी कोने में थोड़ी सी जगह हो। बकवास मत करो, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। यहाँ जंगल में पुलिस का साथ ले चलिए और अपने हाथों से पुलिस के हवाले कर। बड़े होशियार बनते, दफा हो जाओ, चली चली जाऊंगा। अभी आपके जाने की उम्र तो नहीं है। खैर, ये लीजिए। मिस हाय, क्या ख्याल है ड्राइवर की जगह हाय? आप चाहे तो मैं आपको लिख दे सकती हूँ। समझ तो आपको आती है लेकिन जरा देर से, जवाब नहीं मिस हॉय। तररो 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 गाना मत गाइए। अच्छी बात है। ये क्या करी, गाड़ी तेज मत चलाइए। गाना मत गाइए, गाड़ी तेज मत चलाइए। मैम साहब, मैं तो बूढ़ा तो हूँ नहीं जो आपके होते हुए भी चुपचाप बैठा रहूँ। गाड़ी मेरी है, आपकी नहीं। ओहो, ठीक है आप ही की सही, लेकिन अपना मूड भी तो कोई चीज है, कुछ ना करूंगा तो ये रास्ता कैसे कटेगा। चलिए, मैं नहीं गाता, आप ही गा लीजिए। मैं
अच्छा से क्या लग गया ये बात है। ये क्या कर रहे हैं? ऐसा चलेगी गाड़ी, एक्सीडेंट हो जाएगा। मजबूरी है मेम साहब। मुझे चक्कर आ गए, ऐसा चलेगी गाड़ी, ऐसा चलेगी। पहले आपको गाना सुनाना पड़ेगा। मुझे नहीं आता गाना। लेकिन मुझे तो आता है। आपको गाना है तो गाइए, मगर ऐसा चलेगी गाड़ी प्लीज। ये प्लीज हुई ना। थैंक यू मेम साहब। समझ तो आपको आती है लेकिन जरा देर से। हाँ तो मेम साहब बोलिए क्या सुनेगा? तुम भी दादरा दीपक मल्हार मालकोज बागेश्री मियाँ की थोड़ी दीदी का थोड़ा सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो ये रूप की दौलत वाले सब सुनते हैं दिल के नाले तकदीर न बस में डाले इनके किस दीवाने को। जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले फिरते हैं ये सब अलबेले दिल लेके मुकर जाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। दगा देते हैं एक रोग लगा देते हैं हंस हंस के जला देते हैं ये हुस्न के परवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। क्या मतलब? अब मैं आपको गिरफ्तार करवाऊंगी, हवालात में बंद करवाऊंगी। अच्छा दरोगा जी, मैं कैप्टन सुरेश की लड़की हूँ। ये आदमी चोर है, मेरी मोटर लेकर भाग रहा था। लेकिन ये तो आपके साथ है। साथ साथ कुछ नहीं, मैं इसे पकड़ कर लाई हूँ, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। उठिए मिस्टर। कुछ समझे आप? नहीं तो मोटर की मालकिन भला किसी मोटर चुराने वाले के साथ बैठ सकती है? मुझे भी कुछ पहली नजर आती है। पहली नहीं जनाब, ये मेरी बीवी है। बीवी? बीवी? हाँ, बेचारी का कुछ दिमाग खराब है, बड़ा परेशान है। ए मिस्टर, क्या नाम है आपका? देखा आपने, पागलपन में भी अपने पति का नाम नहीं लेती। आप जाइए साहब, मैं सब समझ गया। शुक्रिया दरोगा साहब। दरोगा जी, मैं इन्हें अगले पुलिस स्टेशन पर दे दूंगी। चलो। देखो बेटी, तुम इनसे लड़ा मत करो, ये तुम्हारा इलाज कराएंगे, ये तुम्हारे पति हैं। क्या बक रहे हैं आप? बेचारी कुछ नहीं समझती। दरोगा जी, आप होश में हैं? जल्दी करो मिस्टर, दौरा पड़ गया। मैं इनको ठीक कर लूंगा दरोगा साहब, आप घबराइए नहीं। क्या बकता था वो दरोगा? दिमाग खराब है बेचारे का, 2 साल हुए रिटायर हो चुके हैं लेकिन समझते हैं अभी तक ड्यूटी पर हैं।